नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। पाटन के लाडले विधायक और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड ननकट्टी में मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन केक काटकर मनाया। इसमें कार्यक्रम में निर्मल कोसरे द्वारा केक काटकर सर्वप्रथम गांव के बड़े बुजुर्गों को केक खिलाकर मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन को यादगार बनाया, जिसमें दुर्ग ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्री निर्मल कोसरे, नवनियुक्त श्रम आयोग के सदस्य झुमुक साहू, जिला उपाध्यक्ष कैलाश नाहटा, प्रदेश सचिव ओनी महिलांग, मंत्री दाऊजी विक्रांत आदि सभी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के महामंत्री दाऊजी विक्रांत अग्रवाल ने किया। आज ननकट्टी में हमारे कांग्रेस के यहाँ साथियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया गया। एक ऐसे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और छत्तीसगढ़ की धरोहर को सहेजने और संवारने का जो प्रयास मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। आज 18 वर्षों बाद लगा कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जब मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री के द्वारा जब गेड़ी चढ़ा जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा जब हौरा खेला जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा जब गिल्ली डंडा खेला जाता है, तब वास्तविक रूप से लगता है कि हम छत्तीसगढ़ में एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के रूप में, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के रूप में माननीय भूपेश बघेल जी को देख रहे हैं। आज उसका 60वां जन्मदिन है और 60वें जन्मदिन के इस पावन अवसर पर हमारे ननकट्टी परिक्षेत्र के सभी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के साथियों के द्वारा भाई विक्की अग्रवाल, भाई रजाक खान, भाई लोकेश जी और यहाँ के सभी हमारे कांग्रेस के साथियों के द्वारा जन्मदिन का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है, जो छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के साथ चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, हर क्षेत्र में आज छत्तीसगढ़ एक अलग नज़र आ रहा है। वास्तविक रूप से छत्तीसगढ़िया नज़र आ रहा है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को हम जन्मदिन के पूरे ननकट्टी क्षेत्र के कांग्रेस जनों की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। मैं निर्मल कोसरे, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण। आज जो है हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश दाऊ के बर्थडे मनाए पर हमारे ननकट्टी बस स्टैंड में सब भाई मिल के बर्थडे मनात हन, खुशी जाहिर करत हन। काबर खुशी जाहिर करत हन, बहुत दिन के बाद भी छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हमारा मिली और छत्तीसगढ़ के बात तो समझिया, किसान के बात तो समझिया और किसान के बेटा आज छत्तीसगढ़ के मुखिया है। एक सेती हम खुशी मनाए बार और बर्थडे ला मनाए बार ननकट्टी बस स्टैंड में इकट्ठा हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे क्षेत्र के जितने भी हमारे सीनियर कार्यकर्ता मन है वो मन कार्यक्रम में उपस्थित हुई। मैं रजाक खान, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सब कांग्रेस कार्यकर्ता मल्ला बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जब भी वो बने छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री ही बने, सबसे अच्छा कार्य लोगों लगते नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी। नाम भुवनेश्वरी वर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत ननकट्टी। R9 भारत के लिए रवि सेन की रिपोर्ट, दुर्ग, छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।